Hello my dear children and hello parents. Today we will learn days of the week. तो days of the week हमको एक चीज याद रखना है that every week starts with Sunday, which is followed by Monday, then Tuesday, then Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. So आपको ये याद करने के लिए sequence of the days, what parents can do? Parents can make a chart like this, each with different colors, and then put it in a wall, so that children, जब हर दिन सेम चीज़ को देखेगा वो उसको याद होगा एंड एवरी डे रिपीट कर करके उसको याद हो जाएगा. तो ये है आपका सीक्वेंस याद करने के लिए तरीका. बट हम जो मेन यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं जो कि है आपका स्पेलिंग्स याद करना, विच वी फाइंड दैट लॉट ऑफ चिल्ड्रन फाइंड डिफिकल्टीज विद. तो हम आज ईजी ट्रिक्स जो हम लोग क्लास में सीखे हैं ट्रिक्स, वैसे ही हम लोग ट्रिक वाइज डेज ऑफ द वीक का स्पेलिंग याद करेंगे. कैसे याद करेंगे? सबसे पहले हमको देखना है जब कोई भी साउंड में, जब लास्ट में ए साउंड होता है, फॉर एग्जाम्पल एज इन डे, उसका ए का स्पेलिंग क्या होगा? ए वाई. ठीक है, उसका स्पेलिंग होगा ए वाई. एज इन डे में ड ए डे, तो ए वाई होता है. सिमिलरली यू, यू जब साउंड होता है उसका स्पेलिंग क्या होता है? यू ई. फॉर एग्जाम्पल इन ब्लू, ब ल यू, ब्लू. यू ई साउंड होता है, सेम हो गया यहाँ पर स्पेलिंग होता है यू ई. अगेन इसका क्या है? टी एच का है, थ, थ, छोटा वाला थ. हम लोग एक बड़ा वाला टी एच पढ़ते जो कि होता है द, दैट, दोज में होता है, और ये है छोटा वाला थ. तो मतलब क्या है? इसमें हो गया हमारा टूथ. टूथ में आता है ना, टूथ है ना, हम लोग पढ़े थे ग्रुप फाइव फोनिक्स पे, टूथ, छोटा वाला थ. ठीक है, अब इसमें जब आता है आई, जो साउंड होता है एज इन फॉर फ्राइडे, तो फ्राई आई का साउंड इसमें आई ही होगा स्पेलिंग. ठीक है, तो अभी हम लोग फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं संडे से. संडे का स्पेलिंग बहुत ईजी है. पहले हम लोग देख लेंगे कि डे का स्पेलिंग कैसे होता है. जैसे मैंने बताया आपको, डे का स्पेलिंग होता है ड ए डे. ठीक है, अभी सन का स्पेलिंग कर, सन, सन डे, सन डे हो गया. अभी फिर देखो मंडे, मन डे, ड ए डे, मन, मह, मह मतलब एम. ये है अ साउंड हो रहा है, बट इसमें ट्रिक है कि यहाँ पर स्पेलिंग होगा ओ, मन, एन होगा, तो फिर हो गया मंडे. फिर मैं क्या बोली आपको, ट्यूसडे. ट्यूसडे में फिर से सेम हमको याद रखना है ड ए डे, ट्यू, ट्यू, यू, यू, ड, यू साउंड क्या, यू ई, ट्यू, ट्यूस, ट्यूसडे, ट्यूसडे हो गया. फिर देखो वेंसडे, वेंसडे हम लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं, बट इसका डिफरेंस क्या है? जब इसको हम लोग स्पेलिंग में लिखते हैं, हम लोग को याद रखना है स्पेलिंग में लिखने टाइम वेडनेसडे लिखेंगे, बट प्रोनाउंस करते टाइम इसका होगा वेंसडे. तो ड ए डे, वेंसडे, बट हम लोग इसको लिखते टाइम याद रखेंगे वेड, व, व, व मतलब डब्लू, वे, ए, ए, ए मतलब डी, ड, ड, वेड हो गया, नेस, न, न, एन, ई, सॉरी ए, एस. तो वेडनेसडे स्पेलिंग लिखते टाइम, बट बोलते टाइम इसको हम लोग पढ़ेंगे वेंसडे. ये मैं आपको जस्ट बोली आपके समझने के लिए, बट इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग को बहुत याद रखना, अच्छे से याद रखना पड़ेगा. दिस इज वेंसडे. ओके, नाउ सी थर्सडे. थर्सडे कैसे होगा? थ, थ, आई टोल्ड यू राइट, थ, थ. सबसे पहले हम लोग देखो ड ए ड डे हो गया, फिर थ, थर्स पे थ हो गया, थ, फिर अर, अ, अम्ब्रेला वाला अ, अर, फिर अर, आर, थर्स, थर्स, थर्सडे, थर्सडे हो गया. अभी फ्राइडे, फ्राइडे में कैसे होगा? ड ए डे हो गया, फ, फ मतलब एफ, फ्रा, फ्रा, र, आर हो गया फ्राई. मैं क्या बोली, आई का यहाँ पर क्या ट्रिक है? आई का स्पेलिंग ट्रिकी वर्ड वाला है, हम लोग जो पढ़ते हैं ना ट्रिकी वर्ड में आए, तो उसका ये स्पेलिंग होगा फ्राई, फ्राई डे हो गया. अभी आ गया लास्ट में सैटरडे. सैटरडे कैसे हम लोग पढ़ेंगे? पहले डे को हम लोग लिख लेंगे ड ए डे, फिर हो जाएगा हमारा यहाँ पर क्या, सैटर, सा, 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 एस हो गया, सा, आ, आ,
होने से क्या हो जाएगा, ए हो जाता है। सैट ट ट होने से टी हो जाए, और अ होने से क्या, अम्ब्रेला वाला जो अप अ मतलब आर सैटरडे। तो ये बहुत इजी ट्रिक है पेरेंट्स, आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पहले बच्चों को ये ट्रिक समझा दीजिए। ये जैसे ए, कोई भी स्पेलिंग के एंड में ए साउंड अगर होगा तो उसका स्पेलिंग होगा ए वाई। अगर यू साउंड होगा एज इन फॉर ब्लू, उसमें क्या होगा हमारा स्पेलिंग, ब्लू में यू ई साउंड होगा। फिर थ थ में जैसे होता है टूथ में, उसका साउंड होता है टी एच। हम लोग उसको ग्रुप फाइव में हम लोग जैसे बच्चों को सिखाए छोटा वाला टी एच, ठीक है। फिर आई का साउंड जो है, ये हमारा ट्रिकी वर्ड्स वाला आई जो है, हम लोग ये इसका समझ लीजिए। तो ये ट्रिक्स है, उसके बाद कोई भी बच्चा आई गारंटी बहुत जल्दी ये डेज ऑफ द वीक लिखना सीख जाएगा। और ऑन टॉप ऑफ इट, अगर हम लोगों को डेज ऑफ द वीक, तो डेज डे का स्पेलिंग हम लोग को पता है ट ए डेज, ऑफ का हम लोग को पता है विच इज अ ट्रिकी वर्ड, एंड देन वी कैन राइट द, द इज ऑल्सो ट्रिकी वर्ड, देन वीक व व, एंड हम लोग पढ़े थे ना ई लंबा वाला साउंड जो है तो लॉन्ग ई है, मतलब क्या दो ई होगा, एंड क क मतलब के, ठीक है। दिस इज अ एंटायर ट्रिक टू रिमेंबर डेज ऑफ द वीक यूजिंग फोनिक्स। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स ऑल द पेरेंट्स एंड ऑल द चिल्ड्रन। थैंक यू।